हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI डेली जॉब अपडेट पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी जॉब से रिगार्डिंग ही है, लेकिन इस वीडियो में मैं कैंपस प्लेसमेंट नहीं लेकर आया हूं, ठीक है। इन दिस वीडियो कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, कैंपस प्लेसमेंट सुबह जो वीडियो आएंगी मॉर्निंग में उन सब में बता दिए जाएंगे। काफ़ी सारी कैंपस प्लेसमेंट हैं, बट एक इंपॉर्टेंट विषय ये आ रहा है कि हमने सर 50 कंपनियों में हमने अप्लाई कर दिया है, बट कोई भी कंपनी हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो हो सकता है हम माने कि एक रिज्यूम हम किस प्रकार का उनको दे रहे हैं, रिज्यूम में हम क्या शो कर रहे हैं, वो भी ज़्यादा मायने रखता है इस बारे में। तो दोस्तों, रिज्यूम कैसे आपको क्रिएट करना होगा, और विद इन 5 मिनट ओनली, 5 मिनट के अंदर हम एक ऐसा रिज्यूम क्रिएट करेंगे जो बहुत प्यारा होगा, पूरी डिटेल आपको फिल करना मैं बता दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और जो भी दोस्त जॉब करना चाहते हैं एक बार इस आइडिया को अपनाना, आई होप आपको जरूर रिप्लाई वहां से आने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जाना है सीधा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आपको सर्च करना है वहां पर रिज्यूम मेकर। रिज्यूम मेकर सर्च करने के बाद आपके सामने एक ऐसा लोगो आएगा, रिज्यूम बिल्डर ऐप जो है वो काफ़ी अच्छी ऐप है। इसके थ्रू मैंने भी और काफ़ी सारे और भी दोस्तों ने रिज्यूम बनाए हैं, अच्छी ऐप है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। सिंपली मैंने इंस्टॉल यहाँ पर इसको किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है। ऐप को ओपन करते हैं। सो गाइस, ऐप ओपन हो गई है। यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आपको अपने रिज्यूम का नाम डालना है, तो रिज्यूम के नेम में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ माय न्यू रिज्यूम, ओके। क्योंकि आप लोगों के पास पुराने रिज्यूम के नेम से कुछ भी सेव होगा ही। इसके बाद में ये इंटरफेस हमारे सामने खुल के आता है। यहाँ पर नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हम फिल कर देंगे। तो दोस्तों, मैं अपना नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी का प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पर डाला है किशन। इसके बाद एड्रेस में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ भोपाल, मध्य प्रदेश, ठीक है। एड्रेस आपको अपना फिल करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेल आईडी आपको अपनी डालनी है, ठीक है। मेल आईडी आप लोगों को जो है अपनी डालनी है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने मेल आईडी डाल दी है, और नंबर आपको कुछ भी जो आपका नंबर है वो सब डालना है। देन आपको कर देना है इसको यहाँ से सेव, मैंने इसको सेव कर दिया है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये वाला है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको इस प्लस के निशान पर दबाना है। इसको दबाने के बाद में मेरे सामने यहाँ पर खुल जाती हैं जो एकेडमिक डिटेल हमें डालनी है, हायर क्वालिफिकेशन क्या है, परसेंटेज, और आपने कब इसको पास किया था। तो डिटेल फटाफट से मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो गाइस, पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर डाल दी है, ITI गवर्नमेंट ITI कॉलेज, परसेंटेज डाल दी है। पासिंग ईयर डालने के बाद आपको इसको यहाँ से सिंपली सेव कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ग्रेजुएट और पर्सिंग आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। देन आपको 2016 पर क्लिक कर दो, या जब भी आपका पासिंग ईयर है उस पर क्लिक करना है। तीसरे ऑप्शन पर हम जाते हैं, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, जैसे आपने हीरो कंपनी में काम किया हुआ है तो आपको हीरो डालना है। डेस्टिनेशन में आपको डाल देना है यहाँ पर टेक्निकल हेल्पर। आपने जहाँ भी काम किया हो, आपका जो भी हो, आपने जॉब को अगर छोड़ दिया है वहाँ से, तो आपको यहाँ पर डालना होगा प्रीवियस एम्प्लॉय, और अगर आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं अभी तो करंटली एम्प्लॉय डाल देना है। तो हम यहाँ पर प्रीवियस सेलेक्ट कर देंगे। देन हम यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं वो सब हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इसको कब छोड़ा था तो वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। मैंने सेलेक्ट कर दिया है। रोल में आपको यहाँ पर कुछ भी जो आपका रोल है वहाँ पर जॉब रोल है वो डालना है। ये सेव हो गया है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये सेव हुआ है या नहीं हुआ है। देन आपको प्रोजेक्ट पर जाना है, ये वाला खाली छोड़ देना है। पांचवें ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में आपको डाल देना है आपका, अगर सिविल में इंटरेस्ट है, ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है, आप इलेक्ट्रिकल वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ऑटोमोबाइल वर्कर। स्किल आपके पास क्या है तो आप हार्ड वर्कर हैं, ठीक है। आपके पास जो भी स्किल है, हार्ड वर्कर एंड आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ओके। हमारी जो भी हमें स्किल है हमारे पास वो करना है। स्ट्रेंथ एंड हैवी में डालना है आप लोगों को हार्ड वर्कर, ठीक है। देन आपको नीचे जाना है और सेव कर देना है। टोटल हॉबी हमारी होने के बाद में आपको इसको सेव करना है। इसके बाद हम छठे ऑप्शन पर जाएंगे, इसको आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सातवां ऑप्शन जब आप फिल करेंगे, रेफरेंस, अगर आपका कोई कंपनी में मिलने वाला है जिसके थ्रू आपको किसी कंपनी में जा रहे हैं पर्टिकुलर, तो आपको फिल करना है, वरना नहीं करना है। अगला आठवां ऑप्शन आता है जहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फ़ोटो अपलोड करने के लिए मैं ऑप्शन में जब जाता हूँ तो हमारा यहाँ पर फ़ोटो मैंने ये अपलोड कर दिया है, जैसे
मेरा यहाँ पर मैंने अपलोड किया हुआ था, सिग्नेचर पर मैं क्लिक करूँगा। तो दोस्तों ये जो बॉक्स हैं इसमें आप अपने सिग्नेचर भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी ऐप है दोस्तों, बहुत अच्छी ऐप है, और आप यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से सिग्नेचर का फोटो है तो यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर जो है मेरे सिग्नेचर कर दिए हैं, इसको मैं यहाँ पर सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद दोस्तों मैं जाता हूँ 90वें ऑप्शन पर, जो है करियर ऑब्जेक्टिव आपको इसको छोड़ना है। 10वें में आपको कवर लेटर में जाना है, इसको ऐसे के ऐसे आपको पूरा टोटली सेव कर देना है। कवर लेटर आपको दिख जाएगा, अगर आपको इसमें कुछ भी लगता है तो चेंज करना, वरना इसको चेंज मत करना, ठीक है। सेव हो गया है, इसके बाद हमें जाना है जनरेट पे। जनरेट पे हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला और दूसरा। आपको कौन सा वाला फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, ये वाला या ये वाला, कोई भी चूज़ कर लो एक। ये वाला मैंने चूज़ कर लिया। देन पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो ऊपर जो आ रहे हैं इन्हीं पर क्लिक करना है, नीचे वाले पैसे से आपके खुलेंगे, तो इन पर जनरेट कर दूंगा मैं, पहले वाले पे ही जनरेट कर देता हूँ। रेट नाउ एप्लीकेशन का आ रहा है, अगर आप इसको 5 स्टार रेटिंग जो भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं इसको, ठीक है। देन आपके पास ये ऑप्शन खुलेगा, जनरेट रिज्यूम पर आपको क्लिक करना होगा। जनरेट रिज्यूम पर मैंने क्लिक कर दिया है। जनरेट रिज्यूम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए, जो भी डिटेल मैंने आपके सामने फिल की थी पूरी की पूरी डिटेल वैसी वैसी आएगी। देखो कितना प्यारा नेम और मोबाइल नंबर हमारा, हमारी क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस आ गया है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ऑटोमोबाइल हमने डाला था, स्किल आ गया, स्ट्रेंथ हमारा टोटल आ गया है। ये रिज्यूम छोटा क्यों दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी आपको सब कुछ बताऊँगा। फोटो यहाँ पर देखो कितना प्यारा लग गया है। सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, मैंने यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा हमारा एक ही डाला है, आपके पास 2 से 3 होंगे। 10वीं की परसेंटेज भी डालना, यहाँ पर 10th डालना, 12वीं भी डालना, ITI भी डालना, ठीक है। आपने डिप्लोमा किया है तो वो डालना, वर्क एक्सपीरियंस में आप डाल देना अगर एक्सपीरियंस है तो। साथ में आपको फील्ड इंटरेस्ट में आपको 1 से 2 फील्ड इंटरेस्ट डालने हैं। स्किल आपको काफी लंबा चौड़ा डालना है, याद रखना स्किल आपके पास जितनी भी होना वो सब डालनी है। हॉबीज वगैरह आपको सब कुछ डालनी है, और सेव हो गया, इसको आप प्रिंट करवा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। आई होप कि आपको 100% ऐसा रिज्यूम क्रिएट करने के बाद रिप्लाई आएगा, क्योंकि ये जो रिज्यूम है ये बहुत ईजी है समझने के लिए। जब इसको इंटरव्यूअर पढ़ेगा तो उसको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। सुबह वीडियो आएगी कैंपस प्लेसमेंट की, हमारे चैनल पर कभी भी कैंपस प्लेसमेंट की वीडियो नहीं रुकने वाली है, याद रखना। हमारे चैनल पर प्लेसमेंट की वीडियो दिन में 2 से 3 वीडियो आती है, और 2 से 3 आती ही रहेगी। लगातार बच्चे जॉब कर रहे हैं, अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप एक बार ये तरीका अपना के देखिएगा, आपको जरूर रिप्लाई आएगा। बाय दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।